very good morning to all of you and welcome to fifth session of our marathon MCQ series. So, अगर आपको volume आ रहा है, सबसे पहले बता दो. If the volume is clear to you, then we'll start. Good morning, good morning. Oh my God, Bhupinder Singh, so hyper. Good morning. Good morning. Audible, thank you so much. All right, great. So, how are you? एक वीक और खत्म हो गया है. आज एक और वीक शुरू हो गया है और इसी वीक हमारा एग्जाम भी है. एंड कुछ आखिरी दिन. आई होप आप लोग थोड़ा पॉजिटिव है. टेंशन तो ऑफकोर्स हो ही रही है एग्जाम की, बट आई होप थोड़ा पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि हमने अच्छी पढ़ाई करी है, हमने काफी प्रैक्टिस करी है और कर भी रहे हैं. जितना अभी टाइम बचा है, एक दो दिन हमारे पास, दो तीन दिन, उसमें भी और सारा प्रैक्टिस एमसीक्यू करना है, लेकिन दिमाग को शार्प करके. यस, गुड मॉर्निंग, जय हिंद. ऑल राइट, वेरी गुड. जल्दी से जुड़ जाइए. एंड अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, शौर्य और विवेक पे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आइकन दबा सकते हैं, सो दैट आपको आने वाले आगे वीडियोस के बारे में पता लगता रहेगा, जो भी आपकी एग्जाम से स्पेसिफिक होगा. और मेरा नाम है दिव्या गुप्ता. आई एम अ फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट और मैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाती हूँ. अगर आप मुझसे और ज्यादा क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हो या वेबसाइट पे जाके देख सकते हो. वहां पे भी हम बहुत सारी फ्री क्लासेस लेते हैं. ऑलराइट, तो गाइज, ये हमारी मैराथन एमसीक्यू सीरीज नंबर 5 है. इसका मतलब 4 ऑलरेडी हो चुकी हैं. तो आप वहां पे इसी चैनल पे सारे प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. अभिषेक बाजिया, अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो @defensementor पे, या फिर अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है तो नीचे ही कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर दीजिएगा और फिर मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगी. चैट सेक्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में. ठीक है गाइस, चलिए जल्दी जल्दी बढ़ जाइए. निखिल, अच्छा कंप्यूटर वाला, ओके. हाँ, जय हिंद. अब पूरा धुआं, मतलब बेटा आपको ऐसे ये नहीं कि उसको आग लगा दो और फोड़ दो, बम गिरा दो उसके ऊपर. ठीक है, मतलब इतना होना चाहिए टिक टिक कर करके कि भैया घिस जाए पेपर. इन्वेजिलेटर बोले, अरे भैया बस करो, सब निकल गए, तुम भी निकल जाओ. ठीक है, आई होप वही मतलब है तुम्हारा. चलिए मैराथन एमसीक्यू सीरीज शुरू करते हैं. लेट्स नॉट वेस्ट टाइम. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. घड़ियाल जो रिसेंटली घाघरा रिवर में उत्तर प्रदेश में रिलीज हुए, वो कौन सी स्पीशीज फैमिली के. गाइज, ये क्वेश्चंस 2020 के मैं करवा रही हूँ आपको. ठीक है, जो एंड ऑफ 2020 था, दैट इज अक्टूबर नवंबर दिसंबर टाइप के, सितंबर अक्टूबर. सो क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन तो मैं वहीं से आएंगे, लेटेस्ट एकदम वो भी करवाऊंगी, बट पुराना भी पूछते हैं एग्जाम में, इसीलिए. ओके, आनंद किशोर सर, यहाँ जरूरी नहीं है सर की बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं. आप समझ रहे हो सर की अनअकैडमी में भी फ्री क्लासेस चल रही हैं, तो वहां पे भी सर ले रहे होंगे. यस, ओके. घड़ियाल ए बी सी डी, भैया कौन सी स्पीशीज, कौन सी फैमिली के हैं ये, जल्दी बताइए. हाँ, पंकज, डोंट वरी यार, देखो भाई जिसको एग्जाम कंडक्ट कराना है उनकी टेंशन नहीं है, हॉल टिकट नहीं देंगे तो एग्जाम कैसे होगा, राइट, सब हो जाएगा. ओके, यस, एक क्रोकोडाइल, एब्सोल्युटली राइट, बचपन से देखते आ रहे हैं हम लोग. एंड घड़ियाल घाघरा रिवर, अब आपको ये भी ध्यान रखना है, सपोज आपको क्वेश्चन लगे घड़ियाल कहाँ फाउंड होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है इस वाली रिवर में है. ठीक है, किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा की. साइंटिफिक नेम इज दिस घड़ियाल का, ये साइंटिफिक नेम है, कॉमनली कॉल्ड अस फिश ईटिंग क्रोकोडाइल्स. देख लीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, फिश ईटिंग क्रोकोडाइल किसको बोलते हैं, घड़ियाल.
एंड एक इंस्टीट्यूट है टर्टल सर्वल अलायंस, सर्वाइवल अलायंस इंडिया का, जो सपोर्ट करता है कि भाई इनके एग्स कलेक्ट करो, हैच करो और फिर उनको रिलीज करा जाए रिवर में ताकि उनकी स्पीशीज प्रोटेक्टेड रहे. ठीक है, जब वो अंडे हैं, जब बन रहे हैं तो उनको किसी तरह का प्रेडेटरी अटैक ना हो उनकी सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. वेरी इंपॉर्टेंट गाइस फॉर योर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट. आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि घड़ियाल कौन सी कैटेगरी में है, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड. ठीक है, कहां पे? IUCN की लिस्ट में. IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर. ओके, और उनकी एक रेड लिस्ट होती है, लाल रंग की लिस्ट, जिसमें वो बताते हैं कि कौन सी स्पीशीज गायब होने वाली है फ्यूचर में, तो उसका ख्याल रखो. ऐसा तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, प्लीज इसको ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू दिस. ओके, चलिए नेक्स्ट. स्ट्राइप हेयर स्ट्रीक एंड एल्यूसिव प्रिंस, ये नाम है, ये कौन सी स्पीशीज में, कौन से क्रीचर का नाम है? स्ट्रिप्ड हेयर स्ट्रीक और एल्यूसिव प्रिंस. ओके, गोगोई बेटा क्या लिंक, मैं लिंक पे देने बैठी हूं तो क्या तुम लोगों को एडमिट कार्ड का आउट ऑफ फोकस बच्चे हैं यहाँ पे. चलिए जल्दी बताइए. वेरी गुड. ओके, आप लोग के जो रिप्लाईज आते हैं ना वो मुझे बाद में आते हैं, ये थोड़ा सा लैग रहता है. ठीक है, जल्दी बताइए. हाँ, कौन सी क्रीचर की स्पीशीज है? अगर आपको नहीं भी आता है ना गाइस, फिर भी आंसर करो, फिर भी आंसर करिए. ओके, यस, आंसर इज सी. अब ये क्या है, लेपिडोप्टेरिस, जो स्पेशलाइज करते हैं इसी चीज में, ये उन लोगों को बोलते हैं जो स्पेशलाइज करते हैं आपकी मॉथ और बटरफ्लाई को स्टडी करने में. ये एक और एमसीक्यू हो गया, रिसेंटली डिस्कवर करी ये नई स्पीशीज बटरफ्लाई की. ठीक है, अब इनको ये नाम दिया गया, कहां हुई है? अरुणाचल में. अनदर एमसीक्यू. ठीक है, उसके बाद ये सबसे पहले हमें जापान में मिली थी और एल्यूसिव प्रिंस हमें वियतनाम में मिला था, अभी अरुणाचल में पाया गया है और इसके ऊपर स्टडी हुई है, इससे हमारी बटरफ्लाई की स्पीशीज हमारी कंट्री में इतनी ज्यादा बढ़ गई है. 1327 गाइस, ये एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस है आपके लिए. ठीक है, ऑलराइट, तो इससे भी आपको एमसीक्यू उठाने हैं, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है, एक्सप्लेनेशन पे भी फोकस करना है, कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे. ओके, कम ऑन, चलिए जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए सेशन को ताकि आप फिर से रिकॉर्डिंग भी देख सके. ओके, ट्रामिकाइट जो सीन दैट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पीशीज, ए बी सी डी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जल्दी आइए गाइस, जल्दी से लाइक कर लीजिए सेशन ताकि आप बाद में रिकॉर्डिंग देख सके इसकी. आने वाले जो एग्जाम्स हो आपके, अगर आप और भी एग्जाम दे रहे हैं, SSC, बैंकिंग और जो भी आप एग्जाम दे रहे हो उसमें भी आपको ये हेल्प करेंगे करंट अफेयर्स. ओके, तो ये कौन सी स्पीशीज का है? ओके, यस, जल्दी बताइए. ओके, बिल्कुल रेयर स्पीशीज है ये, जो फिशरमैन को मिली है टर्टल की. फिशरमैन को मिली है कहां पे? ओडिशा के डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज में. रेस्क्यूड एंड रिलीज कर दिया गया है इनको. ये सॉफ्ट शेल टर्टल्स होते हैं, सॉफ्ट शेल टर्टल्स, और यूजुअली अफ्रीका, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं और इनका मैक्सिमम लाइफ स्पैन 50 साल होता है एंड दे वे मोर देन अराउंड 30 kg और इनका लाइफ स्पैन 50 years. गाइस ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वी नेवर नो. ऑलराइट, सो रेयर स्पीशीज ऑफ टर्टल्स. नेक्स्ट, एज पर द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020, विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल?
वर्ल्ड का सबसे ट्रैफिकिंग किया जाने वाला मैमल कौन सा है? चलिए जल्दी बताइए गाइस, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करो सो दैट आपको बाद में ये सेशन देखने को मिल पाए, वरना बहुत सारे सेशन आते रहेंगे तो ये नीचे निकल जाएगा। ओके हाँ, अरे तुम लोग अपनी सब पढ़ाई पे फोकस करो ना, टाइम आना है, शिफ्ट आना है, वो सब आ जाएगा। वो यार तुम, वो उनकी टेंशन है, तुम लोग सिर्फ एग्जाम की तैयारी करो, इतना दिमाग फालतू का वेस्ट करते हो तुम लोग। यस, ए बी सी डी, आंसर है सी, पैंगोलिन, यूएनओडीसी। अब देखो ये एक और एमसीक्यू हो गया कि किसने रिलीज करा है। सो ये जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट इज बीन रिलीज बाय यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ठीक है, ये एक एमसीक्यू हो गया। और इन्होंने बोला कि पैंगोलिन सबसे ज्यादा ट्रैफिक एनिमल है और उसके बहुत बार उनके स्केल्स वगैरह हमने सीज किए हैं। जूनोटिक डिजीजेस अकाउंट फॉर, इस रिपोर्ट ने ही बोला कि जूनोटिक डिजीजेस जो जानवरों से होती है अकाउंट फॉर 75% ऑफ इमर्जिंग इंफेक्शियस डिजीजेस। सो इसी रिपोर्ट का एक ही दूसरा हिस्सा भी है। चलिए नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट इज टू सेट अप कंट्रीज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर? ए बी सी डी। यस रिक्जन, वेरी गुड शुभम। ओके आई विल डू दैट, आई विल डू दैट। इनका एक अलग प्लेलिस्ट लगा देंगे, बना देंगे, और एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है मेरे पुराने करंट अफेयर्स का, प्लीज गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट आल्सो। करंट अफेयर्स जो मैंने मैराथन के पहले पिछले हफ्ते में, दो तीन हफ्ते से मैं करवा रही हूँ, वो भी आईबी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू देम। ओके वेरी गुड, अरे वाह वेरी गुड, तुम लोग को तो आता है यार। हाँ, फर्स्ट स्नो लेपर्ड, वेरी गुड भाई भी, उत्तराखंड। ये इसका रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने अनाउंस किया था, ये पिछले साल की न्यूज है, कि स्टेट कंट्री का फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाएगी उत्तरकाशी फॉरेस्ट डिविजन, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलके। आप देखो क्वेश्चन आपको एमसीक्यू आ सकता है ना, कि सपोज ये बोल सकता है कि ये जो गवर्नमेंट है ये किसके साथ मिलके ये कर रहा है। सो क्वेश्चन कैन बी दिस, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ यूएनडीपी, प्लीज रिमेम्बर दिस ऑल्सो, कि सरकार इसके साथ मिलके ये कर रहा है, 6 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट, और उसका नाम देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योर हिमालयस। इट वॉज स्टार्टेड इन 2017 एंड टू कंजर्व स्नो लेपर्ड्स एंड एनी एंडेंजर्ड स्पीशीज जो हिमालयस में होगी। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड वेरी गुड गाइस, चलिए वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑब्जर्व्ड एनुअली किस डेट पे अक्रॉस द वर्ल्ड? कौन से तारीख पे हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं? ए बी सी डी, फेब्रुअरी 1st, 2nd, 3rd, 4th। वर्षा, अरे सुबह से चल रही है ना वैसे मैराथन तो। हाँ यस ओके, हाँ गाइस आज 5 बजे वाली जो अनअकैडमी वाली बात कर रही हो ना, थैंक यू भूपेंद्र। ऑल राइट, चलिए जल्दी से बताइए। हाँ वर्ल्ड वेटलैंड डे ए बी सी डी, 1, 2, 3, 4, आंसर इज फेब्रुअरी 2nd। वर्ल्ड वेटलैंड डे एनुअली मनाया जा रहा है फेब 2nd को। अब आपको क्या और क्या देखना है इसमें, ये देखिए 1971 से मनाया जा रहा है। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड अडॉप्ट कब करा गया? यहाँ पे 1971 में, ठीक है। और ये जो नाम दिया है रामसार वेटलैंड्स, रामसार साइट्स बोलते हैं, तो ये किस लिए, ईरान की एक सिटी है उसके नाम पे लिया गया है, क्योंकि वहीं पे अडॉप्ट किया था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना कि कहाँ लिया हुआ था, तो ईरान की एक सिटी है रामसार वहां पे, और तब से इसको हर साल मनाया जा रहा है। थीम इस बार की ये है
वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, ये थीम है। अनदर एमसीक्यू मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप जब रिकॉर्ड फिर से देखोगे तो आपको याद रहेगा। और इंडिया के और भी साइट्स, इंडिया में जो जितने भी वेटलैंड है उसमें और भी ऐड हुए हैं, 10 मोर वेटलैंड इंडिया इंक्लूडेड इन द रामसार साइट लिस्ट। देखिए ऐसे भी बोला जाता है, इंडिया के पास अराउंड 37 हो चुके हैं, ठीक है। हमारे पास इतने वेटलैंड की साइट्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 1t.org एक प्लेटफॉर्म है जिसपे सपोर्ट करा जाता है और पेड़ों को कंजर्व करा जाता है अराउंड द वर्ल्ड। ये रिसेंटली कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज करवाया था? ए बी सी डी। चलिए यस लोनार लेक, एब्सोल्युटली करेक्ट नवीन। यस वी इट वाज ऑल रेडी बट फिर हमको, हमने ये सोचा कि आप लोगों का भी एग्जाम है सो लेट अस नॉट पुट अ वीडियो लाइक दैट जो बहुत ही ऑफ ट्रैक है आपकी पढ़ाई से, है ना, तो इसलिए हमने फिर वो नहीं डाला। और हमने सोचा कि जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा 20-21 तारीख में, एफकैट भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम वो वीडियो डाल देंगे। बिकॉज वी डिडंट वांट कि जैसे मैराथन चल रही है, पढ़ाई वाली बातें चल रही है, बीच में हम एक वो डाले, एग्जाम के एकदम गर्मा गर्म दिन है ये, हॉट डेज, तो इसलिए हमने नहीं डाला वो। यस ओके थैंक यू लियो, थैंक यू लियो बच्चे। ओके गाइस चलिए चलिए जल्दी आंसर करें। 1t.org Yes, it is during the 50th World Economic Forum. अब गाइज यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या लगता है भैया, या तो ये होगा या ये होगा, ओके, बट यहाँ पे है WEF World Economic Forum, 50th World Economic Forum जो मीटिंग हुई थी डेवोस, जो उस टाइम पे हुई थी, अलॉन्ग विद इट्स पार्टनर्स इन्होंने लॉन्च किया था 2020 में 1t.org, ताकि इतने सारे पेड़ों को बचाया जाए। ओके यूनाइटेड स्टेट्स आल्सो जॉइन दिस स्कीम, मेजर इनिशिएटिव प्लैनेट को बचाने के लिए, और ये बाकी इनिशिएटिव्स को भी सपोर्ट करेगा, विच वर्क टू कंजर्व एंड रिस्टोर, बेसिकली पेड़ों और फॉरेस्ट के ऊपर हमारा फोकस है, यूनिफाई करता है सारे, जोड़ता है प्लेटफॉर्म को, जिससे जितना भी पॉलिटिकल सपोर्ट, मतलब कंट्रीज से हमें सपोर्ट चाहिए, जिससे हमारे और फंड्स की मोबिलाइजेशन हो। सो इट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 डेवोस में हुआ था इसका सेशन वहां पे। ओके ऑलराइट मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली एस्पेरेंजा बेस ऑन अंटार्कटिक पेनिनसुला का टेम्परेचर रीच हो गया था 18.3 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब वो एकदम हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड बन गया था अंटार्कटिका के हिसाब से। तो ये जो रिसर्च स्टेशन है, ये जो बेस है, ये कौन सी कंट्री का है जो अंटार्कटिका में है? जस्ट हैड वाटर। वेरी गुड शुभम, वेरी गुड। यस ये क्वेश्चंस मैं सब पहले करवा चुकी हूं आप लोगों को। अरे भाई ओके जल्दी जल्दी बताएं। ये बेस अंटार्कटिका में तो है बट कौन सी कंट्री का है? ए बी सी डी, इट विल बी सी अर्जेंटीना। एंड अब देखिए इसका नाम देख लीजिए एक बार, जो एस्पेरांजा बेस है इसका नाम होप बेस, परमानेंट ऑल ईयर अर्जेंटीना रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका। ओके सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9, रीसेंट रिपोर्ट ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशन रिसर्च, कौन से ओशन का सबसे बड़ा डिक्लाइन ऑफ आइस हुआ है इन द लास्ट 41 इयर्स? ए बी सी डी, आर्कटिक, अंटार्कटिक, पैसिफिक, इंडियन। ओके
चलिए गाइस जल्दी से सेशन को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लो भाई, सो दैट आपको आगे के बारे में पता लगता रहेगा। ए बी सी डी, यस वेरी गुड। बिल्कुल, इसका आंसर इज ए ऑप्टिक। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च NCPOR, ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है? आपको हो सकता है उल्टा MCQ पूछ ले, तो ये याद रखना पड़ेगा। ऑर्कटिक ओशन के लिए बोला गया है कि भाई इतने 41 इयर्स में हमने जो देखा है सबसे बड़ा इनका ड्रॉप हुआ है, लार्जेस्ट डिक्लाइन, जिससे इनका लोकलाइज्ड इवेपोरेशन बहुत बढ़िया, ऑब्वियसली एयर ह्यूमिडिटी, क्लाउड कवर, रेनफॉल सारे ट्रिकल इफेक्ट है। उन्होंने ये बोला कि जो डिक्लाइन है आर्कटिक सी का वॉज -13% इन 2019, मतलब ये रिकॉर्ड मेंटेन हो रहे हैं। एंड उसके पहले और भी कम था। स्टडी नोटेड कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भैया 2050 तक आर्कटिक सी बचेगा ही नहीं। ओके, अलार्मिंग न्यूज। ओके, वी आर डूइंग एनवायरमेंट गाइज। द टर्म लॉन्ग रेंज फोरकास्ट जो न्यूज में देखी गई है, ये किस पैरामीटर के लिए यूज होता है? लॉन्ग रेंज फोरकास्ट इन्फ्लेशन चेक करने के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मॉनसून रेनफॉल या पैंडेमिक? ये जो रेंज है फोरकास्ट, ये किस चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? चलिए जल्दी जल्दी बताओ। यस, ओके, फ्री हेल्पर टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और आपकी सेटिंग्स देखिए, सेटिंग्स चेक करिए टेलीग्राम की। कई बार होता है आपने ब्लॉक करे होते हैं कुछ ऐप्स को, बहुत बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुई है, उनके सेटिंग्स में प्रॉब्लम है, इसलिए वो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। ओके, यस, आंसर इज सी। IMD मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है उसने रिलीज किया है LRF, आई डोंट नो, आज मेरा स्लिप बहुत हो रहा है टंग का, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट फॉर साउथ वेस्ट मॉनसून। एज पर इट्स फोरकास्ट, द साउथ वेस्ट मॉनसून जो जून टू सेप्टेम्बर होता है, मे बी नॉर्मल, ये पुराना प्रेडिक्शन है, इट ऑल्सो फोरकास्टेड ये, लेकिन हमारा इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये वाली चीज किसके लिए यूज होती है और कौन यूज करता है इसको। ओके ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ क्रीचर जो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एनिमल है, ठीक है? ये कौन सी कंट्री में है? एनिमल नहीं पूछ रही हूं, कंट्री पूछ रही हूं। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मैडागास्कर, आयरलैंड? चलिए जल्दी जल्दी बताएं। ओके, वेरी गुड सोनू, वेरी गुड गाइस, चलिए जल्दी बताइए। रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड अ क्रीचर, लॉन्गेस्ट एनिमल, कौन सी कंट्री? गाइस आपको अगर नहीं भी आता है, ट्राई टू आंसर इट। ओके ओके, एडमिट कार्ड। ओके, ऑडियो क्लियर नहीं है? ऑडियो तो क्लियर ही है, किसी और की तो कंप्लेंट आई नहीं है, एक बार चेक करिए अपनी तरफ से। हाँ, सो आंसर इज बी, ऑस्ट्रेलिया। नाउ दिस इज द एनिमल गाइस, ये है सबसे लॉन्गेस्ट, ये जो आपको व्हाइट लाइन दिख रही है ना, ये जो गोल गोल घूम रहा है, यही है। रिसर्चर्स ने डिस्कवर करा है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एनिमल अंडर वाटर, ऑस्ट्रेलिया के। एंड एग्जैक्ट इसका नाम है, मतलब टर्म दिया है इसको, साइफनोफोर। एग्जैक्ट लेंथ हैज नॉट बीन मेजर्ड, बट इट इज एस्टिमेटेड कि एक UFO शेप्ड क्रीचर वुड बी अराउंड 120 मीटर लॉन्ग, यही है। ओके, ग्रेट, थैंक यू। चलिए
वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग सही हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो या मैंने जानबूझ के फोटो डाली है पहले भी, कि हमें बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा भी था, मैम इसमें जानवर का है दिख ही नहीं रहा है, तो यही है। ठीक है, ओके, यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। विच न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज इन अरुणाचल प्रदेश हैज बीन नेम्ड आफ्टर सैलजार, अ फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ हैरी पॉटर। ठीक है, तो ये जो न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज है अरुणाचल की, ये कौन सी हो सकती है? अगर आप हैरी पॉटर देखते हैं तो आपको शायद पता हो, अदरवाइज करंट अफेयर स्पाइडर, वाइपर, टर्टल, ग्रास हॉपर। ओके, वेरी गुड। हाँ आई नो, जलेबी जैसा है। यस यस, चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ, ए बी सी डी, स्पाइडर, वाइपर, टर्टल। ये जिन जिन बच्चों की अभी गुड मॉर्निंग हो रही है, ये भैया गुड आफ्टरनून का टाइम रहना चाहिए। ठीक है, बहुत हो गया, आधा घंटा हो गया सेशन हुआ हुआ है, चलिए जल्दी करें। ए बी सी डी, यस। सो आंसर विल बी टीम ऑफ इंडियन हर्पेटोलॉजिस्ट हु स्टडी अबाउट एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, वाइपर फैमिली से एक न्यू स्पीशीज डिस्कवर करी गई है। बेसिकली अ स्नेक, ग्रीन पिट वाइपर, विच वॉज फाउंड एट टाइगर रिजर्व इन अरुणाचल प्रदेश, उसको स्लिदरिन हाउस जो उसमें है, सालाजार स्लिदरिन, फिक्शनल कैरेक्टर हैरी पॉटर, उनके नाम पे डाला गया है। मेल वाइपर इसके ऑरेंज टू रेड स्ट्राइप्स है ऑन इट्स हेड एंड बॉडी, सो आंसर विल बी अ वाइपर, इट्स बेसिकली अ स्नेक। ओके, वेरी गुड। हैरी पॉटर में तो, अरे भैया तो कंफ्यूज करने के लिए तो डालेंगे ही ना। ये तो है ही। ओके, चलो। लॉन्गलेंग एंड श्यूलान आर द नेम्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने मेंशन करी हुई है। ठीक है, को अब ये जो नाम दिए हैं, ये कौन सी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए हैं? ए बी सी डी, अमूर फाल्कन, यूरेशियन हॉबी, कैस्पियन प्लोवा, स्पॉटेड केस्ट्रल। वेरी गुड, ओके, यस, मोहित तिवारी, जय हिंद। ऑल राइट, जल्दी बताइए, ए बी सी डी कौन सी बर्ड है? हम लोग इन्वायरमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड, ए बी सी डी, यस। सो आंसर, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है कि भैया दो अमर फाल्कन बर्ड्स, इनका नाम ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इनको सैटेलाइट टैग करा गया है, ताकि जब ये उड़ेंगी, कहाँ उड़ रही है, किस पैटर्न में उड़ रही है, कहाँ जा रही है, उड़ के हमें समझ आ जाएगा। एंड बर्ड इनको सैटेलाइट टैग किया गया था, इन्हीं को, एक बर्ड को पहले भी टैग करा गया है नागालैंड द्वारा। एंड अभी हमें जो पता लगा है, आफ्टर विजिटिंग सोमालिया द बर्ड रिटर्न टू इंडिया, एंड इसको भी टैग करके हमें बेसिकली समझ आता है कि इनका ट्रैवल हिस्ट्री क्या रहता है, इनके ट्रैवल लॉग्स को भी हम रिकॉर्ड करते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलो, इंडियन नेवल शिप केसरी रीच विच कंट्री टू प्रोवाइड एसेंशियल मेडिसिन अंडर मिशन सागर? ए बी सी डी, मैडागास्कर, श्रीलंका, सिशेल्स, मॉरिशियस। ओके, एडमिट कार्ड आया, वो, यस, वेरी गुड। ए बी सी डी कहाँ गए थे भाई? ओके, जल्दी जल्दी बताइए, यस।
सो सी शेशेल्स, ये जो हमारी शिप थी केसरी पोर्ट विक्टोरिया, कोविड रिलेटेड मेडिसिन को देने के लिए कौन सा मिशन, सागर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो असिस्टेंस दिया था पैंडेमिक के टाइम पे, इम्प्लीमेंटेड विथ कोऑर्डिनेशन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑब्वियसली एंड लाइन विथ आर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन वाला जो हमारा विजन है उसी के चलते गत उसके साथ सिंक में है ये हमारा एक्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, सेकंड फेज ऑफ इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 जो बिगिन हो चुका है उससे रिलेटेड कौन सी स्कीम है. इंद्रधनुष 2.0, ओके चलिए जल्दी बताइए. अरे यार तुम लोग इतना टेंशन मत लो, शिफ्ट कब आएगा, जो ये एग्जाम वालों का टेंशन है भाई, वो आपको सब कुछ देंगे, उसके बिना थोड़ी एग्जाम हो पाएगा. ओके, आप लोग अभी अपनी तैयारी पे फोकस करिए. चलिए जल्दी बताइए. हाँ, सेकंड फेज जो है कौन सी स्कीम है उससे रिलेटेड, ए बी सी डी. यस, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ और फैमिली ने लॉन्च किया था 2014 में. आप एक एमसीक्यू ये बन गया भैया कब लॉन्च हुआ, एक ये बन गया किस कौन सी मिनिस्ट्री, दो क्वेश्चन हो गए. इंटेंसिफाइड कैरिड आउट पिछले साल, इंटेंसिफाइड जो था उसने इम्यूनाइज करा बच्चों को 2 साल के नीचे वाले अंडर 2 इयर्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन. अनदर एमसीक्यू, अगेंस्ट व्हाट, एट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस. अनदर एमसीक्यू, ठीक है, कौन सी थी ये देख लीजिए, नाम मैंने सब दिया है, टीबी, मेनिंजाइटिस, मीजल, हेपेटाइटिस, टेटनस, वूपिंग कफ, सब दिया है, डिप्थेरिया. अब देखो आपको एक बार में सारा याद नहीं हो सकता है, यू नीड टू सी इट अगेन. पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी, बाकी आप रिकॉर्डिंग भी वापस देख सकते हैं. वैक्सीन फॉर टू अदर डिजीजेस, इन्फ्लुएंजा एंड जापानीज एनसेफेलाइटिस विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड अंडर द कैटेगरी अंडर सम पर्टिकुलर एरियाज, नॉट ऑल. ठीक है, भरा पड़ा एमसीक्यू से कम 6 से 7 एमसीक्यू हो गए हैं यहाँ पे. और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, फोस्टा, अ फीमेल ब्लैक राइनो बिलीव टू बी द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट राइनो रिसेंटली डाइड इन तंजानिया, तंजानियन कंजर्वेशन एरिया. उस जो ब्लैक राइनो है उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है. अभी मैंने आपको बताया था ना आईयूसीएन क्रिटिकली एंडेंजर वाला, तो अब ये राइनो का पूछ रहा है, लीस्ट कंसर्न, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या थ्रेटेंड में, नियर थ्रेटेंड में पहुंच चुके. ओके, टेलीग्राम चैनल आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना उसमें आपको लिंक मिल जाएगी शौर्य और विवेक. तो हमारा YouTube भी और Telegram भी शौर्य और विवेक है और Instagram भी है शौर्य और विवेक, तो आप जहां पे भी चाहो वहां फॉलो कर सकते हो हमको. ओके, जल्दी से आंसर करें और जल्दी जल्दी सेशन को भी लाइक कर लीजिए, सो दैट यू कैन कीप वॉचिंग इट अगेन. इट विल ओनली हेल्प यू एंड नोबडी एल्स. जितनी बार पढ़ेंगे आप जितनी बार आपका रिविजन होगा. ओके, तो फीमेल ब्लैक राइनो इज ए बी सी डी, शी इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ऑल्सो नोन एज हुक लिप्ड राइनो, क्योंकि इसके जो लिप्स होते हैं वो हुक की तरह होते हैं. स्पीशीज को ब्लैक बुलाया जाता है, अब जैसे इनका नाम ब्लैक है बट दे आर नॉट इन ब्लैक कलर, ब्लैक बुलाया जाता है और उनके कलर्स रहते हैं ब्राउन और ग्रे. Found in South and East Africa, Kenya, Tanzania, Namibia, Zimbabwe, South Africa.
क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो क्वेश्चन था, एंड साउथ वेस्टर्न स्टेट्स ऑफ ब्लैक राइनो राइनोसेरॉस इज क्लासिफाइड अंडर वल्नरेबल, मतलब ये जो हमने बोला कि ये साउथ और ईस्ट साइड में पाए जा रहे हैं तो ये इंडेंजर्ड है, ठीक है, जो साउथ वेस्ट साइड में है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आ रहे हैं, तो अलग अलग कैटेगरी है बिकॉज डिपेंडिंग ऑन द एरिया वेयर दे आर सर्वाइविंग बेटर हुक लिव्ड राइनोसेरॉस. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 17, साइंटिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर किया है ड्वार्फ गैलेक्सीज और उनमें बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं. कैसे डिस्कवर किया? यूजिंग VLA ऑब्जर्वेटरी, वेरी लार्ज एरे ऑब्जर्वेटरी. अभी जो ऑब्जर्वेटरी है ये कितने है? जापान, चाइना, USA, रशिया, कहाँ है ये? वेरी गुड, वेरी गुड. अरे यार तुम लोग तो बड़े स्मार्ट बच्चे हो यार, सबको सबको आता है. वेरी गुड. चले जल्दी जल्दी बताइए. जापान, चाइना, USA या रशिया? यस, गुड. अकॉर्डिंग टू रीजन स्टडी पब्लिश्ड, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है 13 ह्यूज ब्लैक होल्स इन ड्वार्फ गैलेक्सीज, ठीक है. अभी ये गैलेक्सीज हैं, ये बहुत दूर, बहुत लाइट ईयर्स अवे, बहुत दूर पाई जाती है, एंड बहुत ही ये जो ऑब्जर्वेटरी है इसकी बहुत ही पावरफुल इमेजेस हैं जिससे हमें ये पता लगा है. ये एक रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी है अमेरिका USA में, न्यू मेक्सिको, ठीक है. इट वॉज सेट अप बाय नेशनल रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. Which is the first country to ban sunscreens जो toxic हैं coral reefs और sea life के लिए? Palau, Philippines, Taiwan और D, A, B, C, D. Okay, great. जल्दी जल्दी बताइए. A, B, C या फिर D? कौन सी कंट्री ने बैन किया है? आंसर इज ए, पलाओ, अ स्मॉल आइलैंड नेशन वेस्ट पैसिफिक ओशन में उसने बैन कर दिया है. एंड जो टूरिस्ट वगैरह आएंगे भैया कोई भी सनस्क्रीन यूज नहीं कर सकता है. ओके, एंड स्टेप इज टेकन टू कंजर्व रॉक आइलैंड्स लगून जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. सन क्रीम, जो सन की क्रीम होती है उसमें एक केमिकल होता है ऑक्सीबेंजोन. गर्ल्स आप लोग जब अपने लिए सनस्क्रीन खरीदते हो ना तो आप चेक करा करो कि आपके सनस्क्रीन में ये ऑक्सीबेंजोन नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब बाहर की कंट्रीज बैन करना शुरू करिए ना ये लोग सब इंडिया में कबाड़ा भेजते हैं, ठीक है, और लगता है कि इंडियन कस्टमर बेवकूफ है. सो डोंट बाय प्रोडक्ट्स व्हिच हैव ऑक्सीबेंजोन, विल नॉट बी परमिटेड. ये दूसरी कंट्रीज में नहीं हो रहा है. ये एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है टूरिस्ट की, इसीलिए कोरल रीफ्स के लिए बहुत आते हैं यहाँ लोग, इसलिए इन्होंने अपने कंजर्वेशन के लिए ये स्टेप लिया है. ऑक्सीबेंजोन, ध्यान रखिए क्या होता है जिसकी वजह से इसको बैन करे जा रहा है. विच नेशनल पार्क, क्वेश्चन नंबर 19 गाइड्स, विच नेशनल पार्क रिकॉर्डेड 96 यूनिक स्पीशीज ऑफ वेटलैंड बर्ड्स लास्ट ईयर? A, B, C, D. 96 यूनिक स्पीशीज. ओके, चलिए जल्दी जल्दी बताएं. आर सौरभ, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू, विल बी कमिंग अप सून. नेशनल पार्क रिकॉर्डेड 96 यूनिक स्पीशीज ऑफ वेटलैंड बर्ड्स लास्ट ईयर. तो ये जो है कहां हुआ? ए बी सी डी.
ओके, अकॉर्डिंग टू द सेकंड वेटलैंड बर्ड काउंट भाई काजीरंगा में हुआ है, यहाँ पे पाए गए हैं वन ऑफ द हाईएस्ट अमंग द नेशनल पार्क बर्ड लाइफ. ये एक एमसीक्यू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है. और ऑफ कोर्स असम में, ये तो आपको पता ही है, वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन राइनो ऑल्सो, वन हॉर्न राइनो जो हमारे इंडिया में है, यहाँ पे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है. और काफी माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे विजिट करते हैं. काजीरंगा नेशनल पार्क, यस. चलिए, नहीं केलाड़ो नहीं है, काजीरंगा है. ओके चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 20. मौनाकिया वोल्केनो जो न्यूज में आया था रिगार्डिंग 30 मीटर टेलीस्कोप वहां बिल्ड होना है, वो जो वोल्केनो है वो कौन सी कंट्री में है? ए बी सी डी, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, हवाई. वेरी गुड, चलो जल्दी से बताओ गाइस, ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल रहेंगे, आई एम टेलिंग यू, आपको एलिमिनेशन में भी हेल्प करेगा ये, अगर कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं तो. ये वोल्केनो कितने है? ए बी सी डी. ओके यस, द 30 मीटर टेलीस्कोप विल बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जनरल पर्पस ऑब्जर्वेटरी जब ये बन जाएगा. प्रॉब्लम ये है, इसके ऊपर बहुत ही जो लोकल्स हैं वहां के बहुत ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये मत बनाइए यहाँ पे, और अब एक नई साइट भी ढूंढने जा रही है इसको कहीं और बनाने के लिए, बिकॉज अगेन द वहां का लोकल कल्चर, वहां का जो लोकल ट्राइब है उनको अफेक्ट कर रहा है. हवाई आइलैंड्स में है, जो सेक्रेट प्लेस है वहां के लोकल्स के लिए, इसलिए प्रॉब्लम बनेगा ऐसा. मस्त है ना? यस यस, ओके गुड. चल, क्वेश्चन नंबर 21. विच चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग फर्म ने अनाउंस किया है कि हम लोग इसरो का जो जीपीएस है नाविक, उसके साथ मिलके चिप्स बनाएंगे एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के लिए. तो ऐसा कौन सी कंपनी कर रही है इसरो के जीपीएस के साथ? एबीसीडी, एएमडी, NVIDIA, Qualcomm, ARM. अरे भाई यादव, टाइम नहीं लिखा है तो बता मैं क्या बताऊं, बता मैं क्या बताऊं, मैं आईबी वालों से पूछूं? यार ये आईबी वालों का काम है, they will give it to you. एग्जाम अगर टाइम नहीं आएगा, शिफ्ट नहीं आएगा तो एग्जाम कैसे होगा? ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन को तुम लोग चाहिए हो ना, तुम एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे. प्लीज स्टे पेशेंट, फोकस ऑन योर स्टडीज, इट विल कम. ओके सो रिलैक्स. यस, आंसर इज Qualcomm. US based semiconductor and telecom equipment company ने recently announced किया है chipsets बनाए जाएंगे इसरो के नाविक GPS के साथ. नाविक की 7 satellites as compared to 24 जो आपका GNSS का है, एंड बहुत accurate positioning information देता है क्योंकि ये सिर्फ इंडिया को ही कवर कर रहा है और इसकी नेबरिंग कंट्रीज को. ऑलराइट, ओके गाइस, चलो लेट्स कंटिन्यू. क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट इज द नेम ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट, रोबोट बोल रही हूँ यार, रोबोट यार, विच वाज रिसेंटली अनवील्ड बाय इसरो. ये पता नहीं आज बहुत स्लिप हो रहा है. गगन मित्रा, व्योम मित्रा, वायु मित्रा, ह्यूमन मित्रा, ए बी सी डी. कौन सा हमारा ह्यूमनॉइड रोबोट है जो रिसेंटली तो नहीं, अनवील होने में टाइम हो गया, अब उसकी प्रेपरेटरी चल रही है भाई, जो हमारा मिशन जाने वाला है उसके लिए. ओके रिपीटेड, मैं तो नहीं करवाया ये.
अनअकैडमी पे करवा रखा है। यस आंसर इज बी व्योम मित्रा, हमें पता ही है ह्यूमनॉइड जो सेंड इनटू स्पेस गगनयान प्रोग्राम में भेजा जाएगा एंड काफी डिस्प्ले भी हो चुका है इनका एंड इसरो ने बनाया है ये एंड ह्यूमनॉइड में फेमिनिन फीचर्स हैं। ये फर्स्ट मैन स्पेस मिशन के पहले भेजा जाएगा, ठीक है, अनमैन स्पेस मिशन के लिए। ह्यूमनॉइड ये ह्यूमन जैसे फंक्शंस करेगा और जो हमको स्पेस में भी रिक्वायर्ड है उसके टेस्ट फ्लाइट के दौरान हमें जो रिक्वायर्ड होगा वो, तो वी विल नॉट हैव अ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ इफ एट ऑल। यस चलिए क्वेश्चन नंबर 23। अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो न्यूज में था वो कौन सी कंट्री में बन रहा है? इंडिया, नेपाल, बांग्ला, भूटान। हाँ भगवान, मैं किरण ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ पे ठेला खोल लेती हूँ, कियोस्क। एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, आपका एडमिट कार्ड आया, मैं टाइप करके आपको दूंगी। आपका क्या टाइम है, आपका कौन सा शिफ्ट है, मैं ये ठेला खोल के बैठ जाती हूँ यहाँ पे, ठीक है? ओके हाँ, रिपोर्टिंग टाइम तुम 12 बजे पहुंचो, तुम 10 बजे पहुंचो, मैं और ठेले में बैठ के बताऊंगी तुमको। अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, यस भैया, नेपाल इन्वेस्टमेंट बोर्ड नेपाल हैज अवॉर्डेड दिस पावर प्रोजेक्ट टू इंडिया सतलुज जल विद्युत निगम। प्रोजेक्ट डेवलप करा जाएगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट अराउंड 100 बिलियन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपका कॉस्ट है। एंड ये जो मेथड होगा वो क्या होगा, बुक बिल्ड ओन ऑपरेट एंड देन ट्रांसफर, बूट डिलीवरी मेथड रहेगा एंड 679 मेगावाट, ठीक है? और ये भी हाँ, किसको दिया है, ये भी एक एमसीक्यू हो गया, सतलुज जल विद्युत निगम, एसजे। ओके क्वेश्चन नंबर 24 गाइस, कौन सी आर्म फोर्स ने ऑर्गेनाइज किया है वेबिनार जिसका नाम है दिव्य दृष्टि? इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड। चलिए एग्जाम स्टॉक 6 मंथ्स, रिचा कौन सा वर्ड जो आपको लगता है आपको वीक हो, जैसे आप मॉक्स वगैरह अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको लग रहा है कि फॉर एग्जांपल मेरा मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बन रहे, करंट अफेयर्स नहीं बन रहा, जीएस के नहीं बन रहे, जो आपका वीक पॉइंट है आप या तो उसको कर सकते हो या एक दूसरी स्ट्रैटेजी होती है कि जो आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके ऊपर और स्ट्रेंथ लेना। सो वट एवर यू वॉन्ट टू चूज यू कैन चूज। हाँ कौन सी आर्म फोर्स का है ये, इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया है वेबिनार जिसका नाम है दिव्य दृष्टि 21 मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पे एंड इंडियाज प्रिपेयर्डनेस इन मल्टी डोमेन ऑपरेशंस वाज फोकस्ड इन दिस सेशन। ओके क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच कंट्री ने अनवील किया है एक ड्राफ्ट ह्यूमंस इन स्पेस पॉलिसी 2021? किसने अनवील किया है एक ऐसा ड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट मतलब अभी रफ वर्क टाइप है, जापान, इंडिया, चाइना, यूएसए? ओके वेरी गुड, चलिए जल्दी आंसर करो यार, फिर आप लोग भी आगे बढ़ो हम भी आगे बढ़े। यस अगली क्लास पे फोकस करें, पूरा दिन है। ए बी सी डी हाँ, मेरे को अपना ही आंसर नहीं दिख रहा है, आंसर है बी इंडिया, इंडिया ने करा है, इंडियन स्पेस सेंटर इसरो ने ड्राफ्ट लाया है ह्यूमंस इन स्पेस पॉलिसी और अभी सरकार के पास जाएगा ये अप्रूवल के लिए। बेसिकली हम स्टार्टअप्स फैसिलिटेट कर रहे हैं लोकल इंडस्ट्री टू बिल्ड टेक्नोलॉजी जो इनका ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम है आ ही रहे हैं आगे, तो हम पुश करना चाहते हैं लोकल्स को कि वो टेक्नोलॉजी बनाए जो हमें स्पेस में हेल्प करे। इसरो हैज सेट अप अ 2-मेंबर टीम टू स्टडी टेक्नोलॉजीज जो हमें मिशन में जरूरत होगी, सो इट इज आवर कंट्री इंडिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, महाराजा सुहेल देव
रूलर थे कौन सी एंशियंट इंडियन सिटी के? श्रवस्ती, उज्जैन, इंद्रप्रस्थ, त्रावणकोर। और ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं बिकॉज इसमें करंट अफेयर्स रिलेटेड है। यस शुभम, आई नो। ओके, यस, महाराजा सुहेल देव, रूलर एसोसिएटेड कौन सी इंडियन सिटी? ए बी सी डी। पूजा, थैंक यू सो मच, आई एम श्योर यू विल बच्चे। ओके, आंसर इज ए, इंडियन किंग जो श्रावस्ती को बिलोंग करते थे, प्रेजेंट उत्तर प्रदेश, ठीक है, गैजेंट, ये विच इज द गैंजेटिक प्लेस ऑफ प्रेजेंट डे यूपी। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वहां पे एक मेमोरियल बनाया जाएगा राजा जी के लिए, और नरेंद्र मोदी जी शेड्यूल करेंगे उसका फाउंडेशन स्टोन डालने के लिए, महाराजा सुहेल देव मेमोरियल। ये हो गया आपका एमसीक्यू। ऑल राइट, चलिए, ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट इज सेट टू कंस्ट्रक्ट अ कोविड वॉरियर मेमोरियल? ए बी सी डी, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, कर्नाटका। कौन बना रहा है भाई कोविड वॉर मेमोरियल, वॉरियर मेमोरियल? तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, कर्नाटका। ए बी सी डी। यस, यस, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हैज अनाउंस कि भैया हम ये बना रहे हैं एक पब्लिक पार्क भुवनेश्वर में, ताकि जो सैक्रिफाइस और सर्विसेज हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने प्रोवाइड की है पैंडेमिक के टाइम पे, उनके लिए एक मेमोरियल भुवनेश्वर। ओके, चलिए मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 28। सोयूज 2 कैरियर रॉकेट फ्लैगशिप लॉन्च व्हीकल है कौन सी कंट्री? हाय हाय, एकदम, मतलब ये तो स्कूल लेवल क्वेश्चन है। सोयूज 2, चाइना, रशिया, इजराइल, यूएस। यस, एकदम लो लेवल क्वेश्चन है, आई थिंक इसमें तो 100% होता अगर हम अनअकैडमी पे कर रहे होते ये। यस, यस, इसमें भी गड़बड़ कर रहे हैं बच्चे, हाय हाय, क्या कर रहे हो तुम लोग है? अरे भाई, रशिया फ्लैगशिप 3-स्टेज लॉन्च व्हीकल ऑफ रशिया, मॉडर्नाइज्ड फॉर्म ऑफ सोयूज रॉकेट। यार पुअर, वेरी पुअर, वेरी पुअर। इट वॉज अनाउंस दैट कंट्री हैज प्लान टू लॉन्च, अरे 40 सैटेलाइट, 12 कंट्रीज यूजिंग दिस रॉकेट, ठीक है। ओके, क्या भाई, यहाँ तो 100% चाहिए था, वेरी डिसअपॉइंटिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 29। फॉरेन ग्रांट्स रिसीव्ड बाय एनजीओज इन द कंट्री आर रेगुलेटेड बाय विच एक्ट? कौन सा एक्ट है इनमें से जो रेगुलेट करता है जो भी फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आती है एनजीओज को? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, FCRA, FEMA, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एनजीओ एक्ट। ये भी करंट न्यूज से रिलेटेड है। विश्वजीत 6 months। ए राजदीप बेटा, यार इतना कमजोर दिल का है तू, है यू डीमोटिवेट हो जाता है तू, यू बढ़िया बात नहीं है बेटा। जब तुम नौकरी ज्वाइन करोगे ना तो इसे 100 गुना गालियां खाओगे रोज डब्बे में भर भर के, ठीक है, और ऐसे डिमोटिवेट हो जाओगे
क्या बात, आजकल की जनरेशन बड़ी छुई हुई है। यस, ABCD। ओके, FCRA, FEMA, ये एंटी मनी एनजीओ एक्ट। ओके, FCRA अब ये न्यूज में भी है, क्यों? क्योंकि ये जो एक्ट के अंदर करा है, बहुत सारे एनजीओ को इन्होंने लाइसेंस भी हटा दिया है सरकार ने। देखिए, FCRA लाइसेंस ऑफ ओवर 20,600 एनजीओ वर कैंसल्ड इन द लास्ट 10 ईयर्स ऑन वायोलेशन ऑफ अदर प्रोविजन ऑफ FCRA एक्ट। ओके, एंड आफ्टर रजिस्टरिंग विद होम अफेयर मिनिस्ट्री, एनजीओ को एक आईडी मिलेगा FCRA का, जिससे उनको वो हर 5 साल में रिन्यू करना पड़ेगा। ये बेसिकली टाइटन अप करने के लिए है, जो फॉरेन फंडिंग आती है और जो बहुत बहुत बार पाए गए हैं रूट्स टुवर्ड्स टेररिस्ट फंडिंग, दैट्स व्हाई। ओके, चलो श्री साई, बेटा क्या बोलू मैं तुमको, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है डिसमेंटलिंग ऑफ एक एयरक्राफ्ट कैरियर को रोक दिया है स्टेट, कौन सी है? ये मैंने करवाई थी बाय द वे, ABCD, INS विक्रांत, INS विक्रांत, INS विराट, INS अरिहंत। ओके, ओके, वेरी गुड, INS विक्रांत, विक्रांत, विराट, अरिहंत। यस, ये हमने करा भी था, सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली ऑर्डर्ड अ स्टे कि भाई जो सबसे बड़ा हमारा कैरियर था INS विराट, उसको डिसमेंटल ना करा जाए, क्योंकि उसपे मेमोरियल बनाने की बात करी जा रही है, म्यूजियम बनाने की बात करी जा रही है, तो उसको नहीं करना चाहिए। और ये ऑप्शन में ऑलरेडी आगे बढ़ चुका था, ये डीकमीशन हो चुका है 4 साल पहले। ऑलराइट, ओके, तो आज के हमारे क्वेश्चंस यही खत्म होते हैं, एंड 12 बजे आई विल बी डूइंग AFCAT PYQ क्वेश्चंस। अगर आप AFCAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप IB की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आप प्रैक्टिस के लिए आ सकते हैं, इट इज टोटली अप टू यू। दिस विल बी अ फ्री सेशन ओनली ऑन Unacademy, यू हैव टू डाउनलोड द ऐप या वेबसाइट, लैपटॉप के थ्रू भी आप इसमें आ सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे है तो वहां पे भी आपको लिंक मिल जाएगी, अदरवाइज Unacademy ऐप पे आके आपको डिफेंस कैटेगरी में ये सेशन मिल जाएगा 12 बजे। ओके, चलो, ओके, वेरी गुड गाइस, चलिए फिर हम मिलते हैं कल, एंड वी विल मीट यू एट द सेम टाइम फिर अदर MCQ मैराथन। संजय सर की भी क्लास 12 बजे है Unacademy पे, ओके, एंड आज संजय सर का यहाँ पे सीरीज नहीं है बिकॉज ही इज बिजी विद अनदर क्लासेस। आज भी बहुत हमारे 5-6-7 क्लासेस हो रही हैं ऑलरेडी, सो ही इज नॉट टेकिंग द सेशन हियर, ही विल बी टेकिंग ऑन Unacademy। ओके, so I will meet you at 12 AFCAT PYQs. Anybody can come and practice, there is no issue, there will be mixed questions of English, GK, whatever PYQs jo aaye hain. Alright, chaliye, bye guys, thank you so much and take care of yourselves. Please like and subscribe to our channel, this helps us, hame madad karta hai ye ki hum bhi aur motivate ho aur acche acche aapke liye sessions laye future mein. Theek hai guys, all the best, take care, bye bye.